दबंग बिहार स्टार टीवी में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। आप देख रहे हैं दबंग बिहार स्टार टीवी, सही खबर सबके लिए, जैसे हमारे चैनल का तरीका रहा है। और सही और सत्य जो है, हर पंचायत, हर प्रखंड, जिला की खबरें हम बताते हैं। इस वक्त हम पहुंचे हैं पिपरा बिशनपुर पंचायत के अंदर, जहाँ से पंचायत समिति के प्रत्याशी एक हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे चर्चा करेंगे 2021 में चुनावी मुद्दा क्या है यहाँ के ग्रामीण के लिए। सर, आप अपना पूरा परिचय दें। मेरा नाम उमेश सुमन जी हुआ। मैं 6/11 में सरपंच पद से जीता था। हमने बहुत नया काम किया यहाँ। सर, क्या लगता है कि आप पहली मर्तबा जब इलेक्शन लड़े थे और अब में 2021 में क्या फ़र्क लग रहा है रणनीति के एतबार से? रणनीति में फ़र्क तो है। पहले लोग दूसरे तरीके के लोग थे, जो आदमी को पहचानते थे कि नहीं भाई ये इस ढंग के लायक लोग है, हाथ से लग जाएंगे उसको, मैं आप अंगूठ पकड़ के, हाथ पकड़ के बिल्कुल साथ नजदीक ले आकर बिना पैसा के काम। राजनीति करियर आपका बहुत बड़ा रहा है और बहुत ही जनप्रतिनिधियों से आपका तालुक रहा है। ये सब जो अनुभव है, क्या पंचायत समिति बनने के बाद आम जनता के लिए, ग्रामीण के लिए, क्या आप इसको ज़रूरी समझेंगे कि उनके लिए सहायता की जाए? जी, बहुत ज़रूरी समझेंगे। क्या है कि मेरे पास तो बहुत अनुभव है ना, 25 साल का अनुभव है कि क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। मैं पंचायत समिति में अगर जीतता हूँ तो गरीबों के लिए, समाज के लिए, पंचायत के लिए बहुत कुछ करूँगा। यहाँ जो दलाली जो चल रहा है, जैसे आप अभी शेड बनाने के लिए हो रहा है, बकरी के लिए, पशुपालन के लिए जो दिया जा रहा है, उसमें बहुत ज़्यादा दलाली बढ़ गया है। इंदिरा आवास है या शौचालय की व्यवस्था है, उसको गलत ढंग से जो किया गया है, उस सबको सुधार करने के लिए हम ब्लॉक में उसको साथ रखेंगे, पब्लिक के सामने रखेंगे। हमारा विद्यालय, पंचायत का विद्यालय, उसमें बहुत सी दिक्कत है, पढ़ाई लिखाई को तो बहुत सी दिक्कत है ना। तो आप काफ़ी शिक्षित परिवार से भी बिलोंग करते हैं, तो पंचायत समिति बनने के बाद क्या शिक्षा के सेक्टर पर भी आपकी तवज्जो रहेगी? जी, बहुत ज़्यादा सेक्टर, शिक्षा सेक्टर में इसलिए रहेगा क्योंकि हम लोग जुड़े हुए हैं, हमारे घर में सब लोग ग्रेजुएशन से पढ़ रही है, सब एम ए है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, बड़े बड़े पोस्ट पर हैं, चीन में है, दिल्ली के पार्लियामेंट में है, जज के जैसे जैसे सीट पर हैं, बैठे लोग हैं। इसलिए हम चाहें कि अच्छा से अच्छा पढ़ाई लिखाई हो, शिक्षा क्या कहते हैं, विद्यालय में जाकर हम अपने इसका अथी करें, निरीक्षण करें। क्या बिशनपुर पंचायत की जनता, ग्रामीण, इस बात का भरोसा करे कि जीतने के बाद जो है आप अपना फायदा, अपना लाभ नहीं सोचेंगे, ग्रामीण के लिए सोचेंगे? जी, मैं ज़्यादा ग्रामीण के लिए किया हूँ, पंचायत के लिए किया हूँ और आम जनता के लिए बीच में किया हूँ। कभी भी लोगों को शोषण नहीं किया, हमेशा यह याद रखा कि नहीं, अपने पॉकेट से ही खर्च करके मैं कुछ कर दूँ। जो भी कोई गरीब व्यक्ति आ गया, गरीब आ गया, डूबा आ गया, उसको मैंने खिलाने का काम किया, पिलाने का काम किया, डॉक्टर तक पहुंचाने का काम किया, लोगों की व्यवस्था किया है ना। इसलिए मैं आर्थिक रूप से भी कमज़ोर हो गया इस राजनीति के, लेकिन मैं अभी भी चाहूँगा कि मैं उसका सेवा करूँ, यही मेरा